बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को ज़ेरे बहस लाएंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और हम उनको एग्ज़ाम के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे और पेपर में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ऑब्जेक्ट की एफएससी के लेवल पे और मैट्रिक के लेवल पे तीन टाइप्स जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए। नंबर वन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर टू है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर थ्री है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इन तीनों टाइप्स का आपके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइप्स बेसिकली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इसके नाम से ही बंदा समझ सकता है कि जिसका नाम ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो इसका मतलब वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। देखिए ऑब्जेक्ट की ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्ट कहते कहते किसे हैं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है जो एक्शन रिसीव करेगा, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। जब हमें ये बेसिक डेफिनेशन पता लग जाती है तो अब हम आगे फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे एक्शन रिसीव करेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे एक्शन रिसीव करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैसे एक्शन रिसीव करेगा। यानी तीनों टाइप्स के अंदर एक चीज़ तो बहरहाल कॉमन होगी और वो ये कि वो करेंगे एक्शन ही रिसीव। अब किस अंदाज में करते हैं, किस स्टाइल में करते हैं वो हम जो है वो इसमें से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जहाँ तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है हम कह सकते हैं कि इट रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली। बड़ी शॉर्ट और स्मार्ट डेफिनेशन है कि इट रिसीव्स एन एक्शन डायरेक्टली। ठीक, हम सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूँ। फॉर एग्जांपल पहली मैं लिखता हूँ कि आई एट चेरीज। इस सेंटेंस के अंदर आप नोटिस करिए कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कि आई है। ठीक, सब्जेक्ट ने क्या करना होता है, एक्शन परफॉर्म करना है। एक वर्ब है एट जिसके अंदर एक्शन ने होना है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो चेरीज है जो कि ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने वर्क किया, काम किया, एक्शन किया, तो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्शन हो रहा है वो डायरेक्टली चेरीज के ऊपर हो रहा है तो हम कहेंगे कि चेरीज इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, विदाउट एनी डाउट हम ये कह सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ माई फादर डज नॉट ड्रिंक कॉफी। माई फादर डज नॉट ड्रिंक कॉफी। फादर सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है जहां काम हो रहा है, और कॉफी वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये काम डायरेक्टली हो रहा है या उसको निगेट, वट एवर जो भी किया जा रहा है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक, तो एक तो ये सिचुएशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा चेंज करते हैं इसको, बॉयल
द वॉटर. कुछ इस किस्म के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं कि जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनका सब्जेक्ट जो होता है वो फॉर ग्रांटेड होता है और वो क्या होता है, यू. ठीक, लेकिन ये यू लिखा नहीं जाता, या आपको पता होना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए कि ये यू बहरहाल इस किस्म के सेंटेंसेस में मौजूद होता है. तो बॉयल के अंदर वर्क हुआ और किसके ऊपर हुआ, वाटर के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि ये वाटर जो है वो इस वर्ब का, बॉयल का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक, इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, द हॉर्स किक्ड द बॉय. तो इसमें भी जो द बॉय है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास बन गया. ठीक, इधर क्या था, वाटर था. अच्छा, अब एक दो चीजें आप खुद भी नोटिस कीजिए, आपके इल्म में आनी चाहिए इन सारी एग्जांपल्स को देख करके. नंबर वन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आई एट व्हाट. ठीक है, यानी इसमें हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है और वो क्या क्वेश्चन है, वो है व्हाट. राइट, इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से रख देता हूं, आई एट चेरीज. ठीक, माई फादर डज नॉट ड्रिंक व्हाट, कॉफी. बॉयल वॉट, वॉटर. लेकिन लास्ट एग्जाम्पल में देखिए, द हॉर्स किक्ड द बॉय. तो ये वॉट को एंसर नहीं कर रहा, ये यहां पर हु को एंसर कर रहा है. ठीक, या हुम को कह सकते हैं. राइट, तो ये हमारे पास जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन आ गई कि ये जो है वो इसमें मौजूद है. अच्छा देखिए, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी सिंपल एक एक्सप्लेनेशन थी, जिसमें एक ही सेंटेंस है और उस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो. समटाइम क्या होता है कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं. राइट, यानी वन सेंटेंस कैरीज टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसा भी हो सकता है. वन सेंटेंस कैरीज टू ऑब्जेक्ट्स, तो उस सिचुएशन को हमें स्टडी जो है वो करना भी आना चाहिए कि उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे. राइट, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है जो मैं यहां नीचे लिखता हूं आप लोगों के लिए. द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली. तो इस सेंटेंस में आप देखिए, एक हमारे पास सब्जेक्ट है डॉक्टर, वर्ब है एडवाइज्ड, और एक ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम मी कहेंगे. तो ये जो है वो मेरा डॉक्टर का ऑब्जेक्ट है. ठीक, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि टू एक्सरसाइज, जो कि यहाँ पे इन्फिनिटिव नाउन के तौर पे काम कर रहा है, और उसके बाद ये एडवर्ब है रेगुलरली. अब हमने ये फैसला करना है कि इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा काम जो है, कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स और भी लिख लेता हूँ, फिर एक ही दफ़ा मैं इन पे बात करता हूँ, ताकि मुझे बात करना जो है फिर आसान हो जाएगा इसको लेकर. राइट, अच्छा उसके बाद हम एक आज एग्जांपल और लेते हैं. वी शोड हिम द फोटो
एल्बम. वी शोड हिम द फोटो एल्बम. तो इस सेंटेंस में भी आप नोटिस करिए कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो हैं, एक तो हिम है और दूसरा जो है वो एल्बम है. ठीक, माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी, दिस इज अनदर एग्जांपल. ठीक, माय फादर गेव मी अ गिफ्ट. ठीक, द सन गिव अस लाइट. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपके सामने रखी, और इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. द डॉक्टर एडवाइस मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली. इसमें मैं कुछ को अंडरलाइन करूँगा. ठीक, द फोटो एल्बम को भी कर देते हैं, इधर से अ स्टोरी को भी कर देते हैं, और इधर से अ गिफ्ट को भी कर देते हैं, एंड देन लाइट को भी कर देते हैं. ठीक, और जो भी अंडरलाइन मैंने किए हैं वो सारे के सारे आप नोटिस कीजिए कि व्हाट को आंसर करेंगे. यानी ये रूल बन गया कि अगर आपके पास एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो जो ऑब्जेक्ट व्हाट को आंसर करेगा वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ठीक, ये भी और ये भी. यानी आपने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि उस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. जब आप ये डिटरमिन कर लेंगे तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो फॉर श्योर इनडायरेक्ट होगा. ठीक, ये वाला इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए, उसको भी मैं इटैलिक कर देता हूँ. ठीक, इसी मीम को भी इटैलिक कर देता हूँ, राइट, और इसको भी मैं इटैलिक कर देता हूँ. अब इसमें एक पॉइंट टू रिमेम्बर ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसके लिए काम किया जाता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए काम किया जाता है. यानी मैं लिख सकता हूं इनडायरेक्ट या एन ऑब्जेक्ट फॉर विच वर्क इज डन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट. अब कन्वेंशनल डेफिनेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है. ठीक, मेरे पास एक चेयर है, मैं उसको ड्रैग कर देता हूँ, एक साइड पे कर देता हूँ, तो मैंने डायरेक्टली उस चेयर पे काम किया. ठीक, लेकिन अगर मैं वो चेयर अपने टीचर के लिए ड्रैग करूं कि उनके बैठने के लिए ड्रैग करूं, तो वो चेयर मैंने किसके लिए ड्रैग की? अपने टीचर के लिए ड्रैग की. तो मैंने टीचर के ऊपर तो काम नहीं किया ना, उनके लिए काम किया. काम के मैंने किसके ऊपर किया? मैंने चेयर के ऊपर किया. तो इसको हम पॉइंट टू रिमेम्बर बना के लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए काम किया जाता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है. राइट, तो अभी जो मैंने यहां लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट फॉर विच वर्क इज डन, इसी को मैं अगर थोड़ा सा ऑल्टर कर लूं, नीचे लिख दूं, यहां पे नेक्स्ट लिख दूं, एन ऑब्जेक्ट फॉर की बजाय मैं सिर्फ प्रपोजिशन चेंज कर दूं, ऑन विच वर्क इज डन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो जाएगा सीधा. तो ये हमारे पास दो पॉइंट टू रिमेंबर आ गए. राइट, तो इसको हम कहते हैं
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो उसके दरमियान फर्क क्या है। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जिससे आपको अवॉइड करना है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट टू रिमेंबर जो नेक्स्ट है, बल्कि इसी के अंदर ही मैं ऐड कर लेता हूँ, एक ही लिस्ट हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट ये है, डू नॉट कंफ्यूज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विथ एन ऑब्जेक्ट विथ, या यूं कह लूं मैं, वो विथ अ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर वन तो ये है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि अभी जैसे एक टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को क्या होता है कि ओवर जनरलाइज किया जाता है। उस ओवर जनरलाइजेशन की वजह से स्टूडेंट ये समझने लग जाता है कि शायद जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अच्छा मैं इसके भी एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े। मैं लिखता हूँ, दे इलेक्टेड मुस्तफा कमाल, राइट, देयर मेयर। मुस्तफा कमाल कराची का मेयर रहा है। हमने सेंटेंस बना लिया, दे इलेक्टेड मुस्तफा कमाल देयर मेयर। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो समझने लग जाते हैं कि शायद ये देयर मेयर जो है ये एक अलग ऑब्जेक्ट है और मुस्तफा कमाल जो है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस कंफ्यूज से हमें बचना होगा। वो कैसे बच सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा उसी की एक्सटेंशन होगी, उसी को कंप्लीट कर रहा होगा। लाइक देयर मेयर जो है ये मुस्तफा कमाल ही है, मुस्तफा कमाल इज इक्वल टू मेयर, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। देयर मेयर मुस्तफा कमाल को कंप्लीट करने की वजह से मुस्तफा कमाल का कॉम्प्लीमेंट बना। चूंकि मुस्तफा कमाल ऑब्जेक्ट था, हमने इसको कहा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक, लेकिन ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी है, देखें यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, अस, अस ऑब्जेक्ट है और लाइट ऑब्जेक्ट, और ये लाइट जो है ये इस अस को कंप्लीट नहीं कर रहा। अस एक बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट एक बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। वी कैन नॉट से कि अस और लाइट आपस में इक्वल हैं। ठीक, इसी तरह ये देखें, मी अलग ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट जो है ये मी को कंप्लीट नहीं कर रहा, ये तो एक और ऑब्जेक्ट है, सो दे आर ऑल्सो नॉट इक्वल टू ईच अदर, इजंट इट। बट इस एग्जाम्पल में आप नोटिस कीजिए कि मुस्तफा कमाल और मेयर जो हैं वो एक ही चीजें हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट चूंकि इस पर थोड़ा ट्रैप हो जाते हैं, तो मैं ऑलरेडी स्टूडेंट के साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे जो है वो इसे आपने अवॉइड करना है। ठीक, एक और पॉइंट रिमेंबर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि इसी को मैं कॉपी करता हूं, डू नॉट कंफ्यूज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विथ अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी बड़ा जरूरी है कि आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इसको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिखता हूं, ही बिकेम एन इंजीनियर। अब अगर पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर इस एन इंजीनियर को उसने अंडरलाइन कर रखा है और वो आपको ऑप्शन दे रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके साथ साथ उसने एक ऑप्शन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी दे रखा है, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। उसकी क्या रीजन है, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि उसके ऊपर काम होता है या उसके लिए काम होता है, यानी काम होना शर्त है, काम का होना वो हम नहीं निकाल सकते, वो इनएविटेबल है।
लेकिन इस सेंटेंस के अंदर तो काम हो ही नहीं रहा, ही बिकेम एन इंजीनियर, और ये बिकेम जो है ये तो लिंकिंग वर्ब है। अच्छा क्यों लिंकिंग वर्ब है? जैसे पहले हमने पढ़ा कि हम इसको इस से रिप्लेस कर सकते हैं, या आर से कर सकते हैं, या बी फॉर्म के किसी भी वर्ड से अगर कर सके और ये फिर भी सेंस बनाए, इसका मतलब ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है, ही इज एन इंजीनियर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिकेम जो है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि एक लिंकिंग वर्ब को हमेशा एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही फॉलो करता है, अगर वो नाउन है या प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये चूंकि नाउन है तो हमने कहा ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हाउ कैन इट बी एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के अंदर तो वर्ब को लिंकिंग नहीं होना चाहिए, उस वर्ब को क्या होना चाहिए, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो एक्शन वर्ब होना चाहिए, तभी सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, सो इस कंफ्यूजन से आपको भी बचना होगा, इसको भी मैं रेड करता हूं ताकि इसमें भी आप मत उलझे। तो ये जो मैंने पॉइंट रिमेंबर लिखे हैं ये बड़े वर्दी पॉइंट्स हैं, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको याद रखें, इनको भूलें मत। ठीक, ये हमने इसको बुलेट्स में रख लिया। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन, आई वुड ट्राई टू आंसर देम। ठीक, अच्छा एक और कंफ्यूजन पॉइंट टू रिमेंबर, ये मैं अलग से लिखता हूं, पॉइंट टू रिमेंबर। अच्छा देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, समटाइम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं, राइट? मैं लिख सकता हूं अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स कैन फंक्शन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समटाइम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और समटाइम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसमें हमें क्लियर होना चाहिए बड़ा कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं मी को ले लेता हूँ, ऊपर हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, ये देखें मी मी, ठीक, अस, ऐसे ही है ना, हिम, मतलब जाहिर है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, मी ई आई का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है, मी फिर आई का, अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं सबके, तो हमने इसको एज एन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यूज किया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया। लेकिन मैं इन तमाम को मी से लेकर के इस अस तक इनको किसी और सेंटेंस में एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, ये नहीं समझ लेना कि इन पे एक ठप्पा लग गया, इन पे स्टैंप लग गई है कि ये मी हिम और अस जो हैं ये तो शायद हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माई टीचर ऑलवेज helps me in difficult time, या इनमें स्टडीज कर लेते हैं, ठीक, my teacher always helps me in my studies, तो ये जो me है इस sentence के अंदर ये बिल्कुल direct object है, indirect object नहीं है, समझ रहे मेरी बात को कि ये कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर का वर्क डायरेक्टली उस पर परफॉर्म हो रहा है। मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को भी आंसर कर सकता है, हु को भी आंसर कर सकता है और हुम को भी कर सकता है। ठीक, माय टीचर ऑलवेज हेल्प्स मी, तो यहां पे हुम का आंसर आ रहा है, लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर सेंटेंस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें है, अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऊपर वाले की तरह, तो फिर सिर्फ और सिर्फ व्हाट वैलिड है, सिर्फ व्हाट को आंसर जो चीज करेगी वो डायरेक्ट होगी,
दूसरा जो भी होगा वो whom हो, who हो, whatsoever, वो इनडायरेक्ट होगा। और अगर एक ही सब्जेक्ट में सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है वो फिर व्हाट को भी कर सकता है, हु को भी कर सकता है और whom को भी कर सकता है। तो उनको करने दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अच्छा। उसके बाद एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर काइंडली एक्सप्लेन लास्ट पॉइंट अगेन, थर्ड पॉइंट अगेन। अच्छा, मैं अभी देख लेता हूँ थर्ड पॉइंट कौन सा था, लेट मी चेक इट आउट। ये वाला थर्ड पॉइंट, डू नॉट कंफ्यूज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विथ आर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, देखें जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बल्कि इस पे मैंने बात तो की है, समझ आ गई आपको, शायद क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया है तो वी शैल मूव ऑन, अगर नहीं समझ आया मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला जो मुस्तफ़ा कमाल है ये ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक, और इस ऑब्जेक्ट की फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, देयर मेयर है। ठीक, यानी ये इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो हमने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, जिसकी वजह से इसका नाम है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ कंपेयर किया था द सन गिव्स अस लाइट के, तो लाइट कैन नेवर बी इक्वल टू अस। लाइट एक अलग चीज है, अस एक अलग चीज है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, तो ये तो अलग अलग नहीं है, मुस्तफा कमाल ही मेयर है। तो वी कैन नॉट से दैट मेयर इज इक्वल टू मुस्तफा, इज नॉट इक्वल टू मुस्तफा कमाल। यस इट इज। लाइक वाइज हम ये नहीं कह सकते कि मी इज इक्वल टू अ गिफ्ट। नहीं भाई, आप अलग चीज हैं, गिफ्ट एक अलग चीज होती है, हम एक अलग चीज है, लाइट एक अलग चीज होती है, स्टोरी एक अलग चीज है, मैं एक अलग चीज हूँ, फोटो एल्बम अलग चीज है, हिम अलग चीज है, एक्सरसाइज अलग चीज है, एडवाइस अलग चीज है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इट वुड ऑलवेज बी यू नो इक्वल टू ऑब्जेक्ट। दिस इज माय पॉइंट। आप उस नोट्स अगर आप बना रहे हैं साथ साथ, आप उस लेक्चर पर वापस जाइए जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बहुत सी एग्जाम्पल लिखवाई हुई है, विल कम टू नो दैट कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इस तरह से जो है वो ये होता है। ठीक, अच्छा। अभी एक स्टूडेंट ने और ने सवाल किया है कि सर ये इन माय स्टडीज जो है ये भी तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस पे मेरा तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो अभी मैं आपको तीसरे नंबर पर वही पढ़ाऊंगा, और उस पर मैं यही चीज़ क्लियर करूंगा कि एक और ऑब्जेक्ट भी होता है जिसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक, हाँ, आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, इसको एडजंक्ट भी बोलते हैं। इस सेंटेंस में ये एडजंक्ट का काम कर रहा है। एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट किसी भी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसको अगर आप सेंटेंस में से रिमूव भी कर दें सेंटेंस फिर भी आपके लिए एक सेंस बरकरार रखेगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माई टीचर ऑलवेज हेल्प्स मी, तो आपका मैसेज तो कन्वे हो गया, लेकिन आपने एक एडिशनल बात ये भी बता दी कि वो हेल्प करते किस में, वो स्टडीज में हेल्प करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इसको हम एडजंक्ट कहते हैं, जो एक अलग टॉपिक है। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी है, इन माई स्टडीज ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है। ठीक, और याद रखिए मेरी बात हमेशा कि यू नो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं अभी नेक्स्ट उसी पे जाऊंगा, अभी आपको मैं बताऊंगा जाके ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की ट्रूथ क्या है और उसके बारे में आपके इल्म में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, यहां मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, वो क्या है, वो ये है कि एन
ऑब्जेक्ट विच इज प्रीसीडेड बाय अ प्रपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ये इसकी डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की. ठीक, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं और इसमें बड़ी कन्फ्यूजन भी है तुलबा को, इवन टीचर्स को भी इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, जो मेरे मैंने एक्सपीरियंस किया और बड़े अच्छे अच्छे टीचर्स को इसमें कन्फ्यूजन है. तो इसको भी आप अपना क्लियर रख लें ताकि आपको किसी फॉरम पे भी इस पर बात करनी पड़े तो आपके इल्म में चीज़ें होनी चाहिए. मैं स्टार्ट करता हूँ. शी लॉफ्ट एट माई जोक. ठीक, ये एक सेंटेंस है. शी लॉफ्ट एट माई जोक, राइट. अच्छा, उसके अलावा मैं कहता हूँ डू नॉट प्ले विथ फायर. फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए. ठीक, अच्छा. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. अनदर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई. अच्छा, उसके बाद कोई एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं. ही took shelter under tree. अच्छा, चलिए इन पे बात स्टार्ट करते हैं. देखिए, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है माय जोक. ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये प्रपोजिशन इसको प्रिसीड कर रहा है. ठीक, इधर भी यही हो रहा है और इधर भी यही हो रहा है अंडर ट्री के अंदर. अब इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती हैं. मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैन नेवर बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो स्टिक विद दिस पॉइंट. मैं यहां बल्कि लिख देता हूं पॉइंट टू रिमेंबर. क्या है जी, के एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैन नेवर बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक, अच्छा, इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई भी करते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो जो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इक्वल हो सकता है. वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ. जैसे देखें, अब अगर मैं कहूँ आप लोगों को शी लॉफ्ट, बिल्कुल सही है जी, एट माई जोक. अब लॉफ्ट तो जाहिर है इंट्रांजिटिव वर्ब है, अब आगे एट माई जोक लगा हुआ है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मैं उसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कह रहा हूँ. आम एक 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 जनरलाइज्ड ट्रूथ है या पॉइंट है या कॉन्सेप्ट है, वो ये कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस के एंड पे अगर मौजूद है, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन अगर मौजूद है या ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसका, तो उसका कभी भी पैसिव वाइज नहीं बनता. यानी तीन सूरतों में पैसिव वाइज नहीं बन सकता. कब कब? नंबर वन, उसके एंड पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, शी लॉफ्ट और मैं आगे फुल स्टॉप लगा दूं, इसका नहीं बन सकता. दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि उसके एंड पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन मौजूद है, जैसे ये लगा हुआ है शी लॉफ्ट एट माई जोक. इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का होना ना होने के बराबर है. ठीक, यानी ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं था, हम शी लॉफ्ट कह के भी बात खत्म कर सकते थे, डू नॉट प्ले भी कह सकते थे, बर्ड्स फ्लाई भी कह सकते थे, ही टुक शेल्टर भी कह सकते थे, लेकिन हमने वो आगे उसको फिनिश करने के लिए, बात कॉम्प्रीहेंसिव कंप्लीट करने के लिए बात की. लेकिन उसके होने का ये मकसद हरगिज नहीं है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा.
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर वो काम कर रहा होता तो फिर तो इसका पैसिव वाइज बन जाना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमेशा पैसिव वाइज बन जाता। सो हम क्या कहते हैं, ही लॉफ्ड एट माई जोक, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, एंड यू कैन नेवर मेक पैसिव वाइज ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशनल, जिसमें मौजूद और वो सेंटेंस आपके पास जो है वो मौजूद हो। ठीक, तो एक तो ये चीज जो है वो आपने जहन में रखनी, जो आई होप के आप बिल्कुल जो है वो डेफिनेटली रखेंगे। ठीक, अच्छा, उसके अलावा एक और चीज जो है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, पॉइंट टू रिमेंबर की शक्ल में। पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड, अ नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। समटाइम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका एक सिंगल नाउन ही हो, वो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है। आप सिर्फ ये मत समझ लीजिए कि उसने सिर्फ जो है वो नाउन ही होना है और हम उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसकी भी एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको दूं। ठीक, अच्छा, मैं फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस लिखता हूं, शी सॉट दैट अच्छा, मैं ये कह रहा था कि किधर गया, या इसको मैं यहां से हटा लेता हूं, यहां से इसको मैं एंड पे ले जाता हूं क्योंकि इस एंड पे डिजर्व करते हैं, यहां पे। एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर कैन बी अ नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास। देखें, शी थॉट, थॉट के बाद एक पूरा क्लॉज है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी थॉट दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड एंडेड। ठीक, और क्यों है ये नाउन क्लॉज, क्योंकि ये वर्ड को आंसर कर रहा है, शी थॉट व्हाट, या फिर दूसरे लफ्जों में से रिप्लेसेबल है, ये भी हो सकता है। आई लव फ्रेश फूड, ये तो एक नाउन फ्रेज है पूरा। ठीक, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि ये फ्रेश फूड है, तो ये पूरा फ्रेज है, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी इट से रिप्लेस हो गया। ठीक, या फिर व्हाट से रिप्लेस हो गया। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक नाउन हो, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है, और हाँ वो नाउन भी हो सकता है, तो उसके हमें ऊपर कोई किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, या एनी ऑब्जेक्ट कैन बी नाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ, हमने पढ़ा क्या क्या है आज। आज हमने ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी तीन किस्में हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, और उसके अंदर मौजूद हमने पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस किया।